हाय गाइस, बहुत सारे मेन्यू ट्राई करने के बाद आज हम आ गए फिर से एक मेन्यू ट्राई करने। आज हम करने वाले टाको बेल का पूरा मेन्यू ट्राई। एंड सरप्राइजिंगली ना इन्होंने टाको बेल से कुछ खाया ना मैंने तो मुझे पता ही नहीं मिलता क्या यार। मेरे को भी ये लग रहा है टाको मिलता होगा, बट ठीक है, आज टाको बेल से हमारी बेल बजेगी, ये हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। इसमें रात में चावल है, कहीं तो हुआ निकला कैसे निकला इसे कहते हैं टॉर्टिला, कहते हैं इनके इसको रोटी को टॉर्टिया, सॉरी। वर्ड्स नहीं मेरे पास। ओह कस्टर्ड है, मैंने एक्सपेक्ट किया था मैक्सिकन फूड, यू नो, ऐसे महंगी चीजें। मेरे को मिले रात में चावल। अगर आपको ये दिख रहा हो हम बैठे तो दारू भी होगी। अगर आप चाहते हैं हम मकैलन पिए तो हमारे चैनल पे 500K सब्सक्राइबर्स प्लीज करवा दो, प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाओ तभी हम पी पाएंगे, वरना ये हम सिर्फ खाते रहेंगे। हमारे सामने बोतल रखी जाती है और हमें तरसाया जाता है, प्लीज फटाफट से 500,000 सब्सक्राइबर करा दो ताकि पिए। पहला आइटम है हमारा ये सॉफ्ट टाको। मैं तो सुना भी नहीं था ये होता है। टाको मतलब क्या होता है? हमारे लिज्जत पापड़ नहीं आते, हाँ, उसके उसको शेप ट्रीट करते हैं और फ्राई कर दो, बस बन गया टाको। ये मैं बताऊं क्या करा उन्होंने, ये रोटी बनाई नीचे क्लीन, उसके अंदर पनीर डाल के दे दिया मेरे को, और देखो चिकन। ये टाको बेल की स्पेशल सॉसेस है जिसमें एक है हॉट और एक है फायर। मैं हॉट पहली बहुत हूँ, हॉट ही है नॉर्मल और दूसरी फायर है। एक्चुअली सब्जी अच्छी और रोटी साथ में ही है ये पूरा, और अच्छा रोल एक्चुअली है। अच्छा मेरे को ये लगता है कि मेक्सिकन खाना ना अपने इंडियन कुजीन से सबसे क्लोज हुई है, रोटी सब्जी राजमा चावल पनीर की बाइट नहीं गई। स्पाइसी बहुत ऑलरेडी है। मेरा स्पाइसी नहीं है, ये ट्राई कर, मैं कर नहीं सकता। बहुत अमेजिंग है ना, पहली चीज ही बहुत सही टेस्ट आ गया इसका। बट मैं सॉस के साथ भी खाऊंगा जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी, थोड़ी पतली पतली सी सॉस है। मेरे पहले धुएं निकल गए और तो मुश्किल हो जाएगा, कहीं तो धुआं निकला, नाम ही गलत है फायर का। कैसे निकला भाई, मजा आ गया। मैंने सुना बहुत बार है, पता नहीं कब से सुन रहा हूँ टाको बेल, बट एग्जैक्टली ऑर्डर क्या करूँ वो नहीं पता था। अब हम जाएंगे और मैं यही खाऊंगा, मतलब अभी तक ये खाया है तो ये तो फॉर श्योर खा रहा हूँ मैं। मैं बुरा खा गया, मैं दूंगा इसको 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर। आई लव भाई, शानदार, जेन्युइनली हर एक चीज की क्वालिटी है। चावल भी होता है, चिकन भी होता है, राजमा भी होता है, बीन्स बहुत खाते हैं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की वीडियो में पता क्या है? मुझे पता ही नहीं, बोल क्या रहा तू, बरीटो क्या होता है? बरीटो समझ लो रोटी के अंदर सब पैक कर दिया। इसे कहते हैं टॉर्टिला, कहते हैं इनके इसको रोटी को टॉर्टिया, सॉरी। देखा इससे पता लगता है हम कितने देसी देसी लोग हैं। ये 7 लेयर कैसे है? मेरे को लग रहा है 7 लेयर ऐसी होगी, चावल की 1 लेयर, फिर दूसरी चावल की लेयर, फिर तीसरी चावल की लेयर। इसमें रात में चावल है, रात में चावल होते हैं इसमें, पर बहुत अच्छा है। रेवी मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं रोटी के अंदर चावल नहीं डाल के खा सकता। मैं तो सोचता नहीं, मैं सिर्फ खाता हूँ। फ्लेवर प्रोफाइल बहुत सही है यार इसका, हर एक चीज का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। देखो बेस्ट पार्ट इसका ही है, देखते हैं आप कितना हॉट फील करेगा उसके बाद। तो हॉट तो 24 घंटे। अगर देख बहुत स्पाइसी नहीं फिर ट्राई करूंगा मैं, बहुत स्पाइसी नहीं है कि मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, मिर्ची भी नहीं है, हल्का सा गीला कर दिया इसको बस। तो अंकित भाई का बरीटो वेट हो गया। तेरा भी तूने पहले कर लिया था ऑलरेडी, मैं तो ड्राई है। ओके, आई विल रेट दिस 8 out of 10। मुझे अगेन बहुत अच्छा लगा इनका, हर एक चीज की क्वालिटी और अलग अलग फ्लेवर आ रहा है। कितना दिया आपने इसको? 8। 8 out of 10 दिया, मैं इसको 7 दूंगा। चक्रा आगे, दारू निकालो, ये बोतल को हटा दो यहाँ से, हमें बाहर नहीं चाहिए। या तो हटा दो या 500 करा दो, दो ही ऑप्शन आपके पास। ये है चीजी सीजन नाचोस। वे हाय हाय, जो दुकान में मिलते हैं ना वो अच्छे होते हैं। इनका ये भी बहुत हार्ड, खाली खा के देख, बहुत अजीब सा चिप, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड चिप है। सॉस भी अच्छी नहीं है, या तो सिल गए या तो मुझे जाके टाको बेल पे एकदम फ्रेश फ्रेश खाने पड़ेंगे तो शायद कुछ हो सकता है, बट ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जाके देंगे तो यही ना। हाँ, टेस्टलेस है ये, पता है, मतलब चीज भी टेस्टलेस है,
ब्लैंड है, टमाटर प्याज भी सीधा कटे हुए, कोई ऊपर वो नहीं डाला हुआ सीजनिंग। इसको 10 में से वही एक ही नंबर या दो नंबर ही जाएगा, एक नंबर फाइनल। कॉम्बिनेशन जो उन्होंने बनाया ना चीज सॉस वगैरह, उसके लिए नाचोस बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर अच्छे सब कुछ मिक्स हो। और इनफैक्ट नाचोस पे बहुत जगह ना जो इनके स्पेशल टैकोल के बीन्स होते हैं वो बहुत जगह होते हैं, वो उससे बहुत लोडेड नाचोस। हां लोडेड नाचोस, उसमें टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। इसने सैड कर दिया इसको, अगला आइटम हमारा दी अल्टीमेट राइस बोल, जिसमें मेरा नॉन वेज है, इनका वेज है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है रियली गुड। सब्वे का सैलेड है ये, रात में चावल जैसे मम्मी वो देती थी ना, मैगी देती थी ना स्कूल टाइम में, रोज जम जाती थी ब्रेक तक, ये बिल्कुल वैसा हो गया, केक बन गया। रात में चावल में दही मिली हुई है। अभी टेस्ट करके देख रहे किसी को बुला ले, अगर कोई बंदा अलग बोल दे मैं नाम चेंज कर दूं, एग्जैक्टली वही है। और दही फ्रेश नहीं है, ठीक है। ये पता है जो बरीतो था ना हमने खाया, उसके आउटर वो रोटी निकाल दिया और मिक्स और अंदर की स्टफिंग सारी इसमें डाल दी। मैंने बोला था ना कि राजमा चावल दही लग रहे हैं, अंतिल आए प्रूव करने की बात, राजमा चावल विद दही, ये टेस्ट इमेजिन कर लो एक बार मन में कैसा होता है। नॉर्दर्न अलग है नॉर्दर्न से, चिकन मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो नहीं है लेकिन राजमा चावल विद दही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बता दो बस। मेरी रेटिंग यही लिखी हुई है, कितनी 3 out of 10। पहले लिख के भेजी थी, फ्यूचर तो खुद पता है इनकी रेटिंग क्या। नहीं नहीं तू नहीं बोलेगा, ये देख के गट्टू जब से इसका नाम सुना बहुत खुश है तब से, तब से बोल रहा है पहले ये चीज लिखा, इसका नाम है नेकेड चिकन टाको। ये देखो तो बदनाम कर रखे इस बंदे ने, बदनाम। मेरा है नेकेड वेज टाको, इसका है नेकेड चिकन टाको। आपने अगर कभी चांदनी चौक में वो पराठे खाए हैं कभी तो वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, पराठा वाली गली में, पराठा वाली गली में, अंदर से थोड़ा अगली दिखेगा बट ये आई एम श्योर अच्छा होगा। इतना फेमस टाको है ना ये, किस बात के लिए? ये टाको बेल मेरे को लगता है फेमस ही इससे हुआ इंडिया में, नेकेड चिकन, नेकेड चिकन। इसके अंदर सिर्फ टमाटर है मेरे के अंदर, हमारी स्टफिंग सेम है। हेलो, अच्छा हमारा ये जो ये आउटर लेयर है ना वो है वेज और नॉन वेज, तो ये वेजेस की होगी तेरी चिकन की होगी, ये सिर्फ चिकन की होगी। वर्ड्स नहीं मेरे पास, थोड़ा स्पाइसी भी है ये, स्पाइसी आई थिंक, ये लेयर बहुत मोटी है। अच्छा पहले खाली ये ट्राई करता हूँ मैं, कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा इसके अंदर। हाँ कुछ टेस्ट नहीं है इसमें, कॉर्नफ्लेक्स का टेस्ट आ रहा है, पता नहीं क्या करा हुआ है उन्होंने। मेरे को एक्चुअली टेस्ट ही नहीं आया था कोई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये यार, ये ग्राफ टाको बेल का और नीचे जा रहा है, मेरे को पसंद क्यों नहीं आ रहा कुछ। मैंने बहुत उम्मीद करी टाको से, टाको बेल का नाम ही टाको है तो शायद अच्छा होता, बट मैंने बैटमैन बना दिया भाई। मैं आपको तेल दिखाता हूँ, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के लिए। आई विल रेट दिस 2 out of 10। बहुत मुश्किल से हमारे पास ऐसा कुछ होता है, ऐसा दिन आता है जब गर्म खाना मिलता है हमें और फ्रेश खाना मिलता है हमें। तो पहले ऑर्डर किया एक, हाँ। वो खराब हो गया क्योंकि वो सारा ढह गया, फिर हमने सोचा नया एक और मंगाएंगे क्रिस्पी खाना, अभी फ्रेश आया है और ये भी ढह गया। ये देखो ओके चिकन भी गिर गया मेरा। वेज टाको के अंदर है बहुत सारा पनीर और बहुत सारे पत्ते और सौंठ भी है। सौंठ क्या होती है? लाल चटनी। ओ मैं सैड हो गया हूँ आज यार, ये क्या हो गया सीन, ये इतना फीका क्यों है सब, इसमें केचप है हमारे पास अलग से, और ये सॉसेस का क्या फायदा है टाको बेल? स्पाइसी नहीं खा सकता मैं, मुझे लगा ये बहुत स्पाइसी होगी क्योंकि नाम है फायर और हॉट, जिससे स्पाइसी नहीं छिलता, जिसको बिल्कुल नहीं पसंद खा लो वो भी खा लो, मीठी सॉस है खा लो, मीठी टेस्ट नहीं है। उस पे लिखा है मैरी मी, नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जिम का खाना खा रहा हूँ ये, मुझे पसंद नहीं है जिम का खाना। चल ऊपर चलापा खा के देख, टेस्ट नहीं आएगा उसका, सारा भूरे का टेस्ट रह जाएगा इसमें, वो कच्चे। कसम हो गई किसी की, ये भटूरा ही है, ये भटूरे का टेस्ट। मैं बोल रहा हूं मैंने एक्सपेक्ट किया था मैक्सिकन फूड, यू नो ऐसी महंगी चीजें, मेरे को मिले राजमा चावल। आप सीताराम के छोले भटूरे खाओगे ना, उन्होंने एक हेल्दी वर्जन भी निकाल रखा है, हाँ। जो हाफ फ्लैट होता है वो, हाँ, फ्लैट होता है वो। ये हो गया, वो थोड़ी देर हवा में रख दो, वो आधा घंटा एक घंटा ऐसा हो जाएगा वो। थोड़ी सी पीनी पड़ेगी कोक, कोक
ये मैं बीच की तरफ इसलिए रख रहा हूँ अगेन याद करवाने के लिए। कब पिएंगे हम? ये हम पिएंगे जब हमारे 500 के सब्सक्राइबर्स 5 लाख सब्सक्राइबर चैनल पे पूरे हो जाएंगे। गाइस आज मेरी रेटिंग 2 से पड़ जाएगी, इसको रेटिंग में 2 फिर से 4 4 आउट ऑफ 10। देखो अंतना के छोले भटूरे बहुत पसंद है, आज उनका विश्वास बढ़ा दूंगा इस चीज से मैं। यार आपको सॉस के लाने थे इसके। अब आप चिकन वाला भी ट्राई करो, बट दूसरी बार आए हो, दूसरी बार टेस्ट नहीं आया आपको? ओए बस ये धोखा, कौन सी सॉस निकली है? धोखा धोखा। खाओ खाओ खाओ, वो हमने खराब सॉस खाई है और मिर्ची है भाई इसमें। सब स्पाइसी कहां है? अंतिल भाई अब जाओ। एक मिनट पहले बता के जाओ, भटूरा कैसा लगा? भटूरा कैसा लगा? मुझे नहीं पसंद। और थोड़ी देर रोका ना, प्याज भी मांग लेंगे चटनी के साथ। तो हमारे पास है पराठे, ये है मेल्टेड चीज पराठा, टाको कैसेडिया, टॉर्टिया कैसेडिया, सब दिया ही दिया कर रहे हैं, सब दिया ही दिया। बट हमारी शेप्स ऐसे अलग क्यों है यार? हर एक इंसान कम्स इन अ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, यू कांट जज ऑन दैट, नो। इवन टाकोस, हां मतलब इसमें क्या जज करने की बात है यार? ये तो बात सही है, अपने फिजिकल ट्रेट्स पे जा रहा हूं मैं, आई एम सॉरी। फाइनली कुछ ऐसा है जो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। ये अच्छा है, मेरे अच्छा है ना? कि तू भी ट्राई कर सकता है, बहुत सही लगा मुझे। मतलब बहुत मिनिमलिस्टिक सा फीलिंग है इसके अंदर। Amazing, no? Same समझ लो। बट कौन सा अलग टेस्ट है, बट वैसे सेम है। ये बेचो। वो तो बेच ही रहे हैं, हम नहीं खा रहे। और बेचो। Now we are happy. Now I'm happy. We are less sad now. Yeah, we were very sad. Now we are less sad. अब हमें दारू नहीं चाहिए। टाको बेल एक वो वाला रेस्टोरेंट या वो वाला कैफे टाइप्स नहीं है जो कि तुम घर पे हर चीज मंगा लो जिसकी खराब हो जाती है, सिल जाती है, तो वहां जाके खाओ। जितनी बात करी मैंने एक नई चीज ढूंढ ली उतनी देर में। गट्टू को एक सॉस है, मैरी मी। नेक्स्ट सॉस पूछ रही है, आई विल इफ यू विल। अच्छा ठीक है, नेवर डल मोमेंट, नो यू फर्स्ट। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार, कोई ब्रांड हो ना, छोटी छोटी चीजें बहुत फन आता है इनके। और ये पहले मैंने नोटिस नहीं करी, अब एंड पे आके नोटिस करी, क्योंकि अब मैं खुश हो गया हूं, दिल खुश हो गया, तो अब सब चीजें नोटिस आ रही हैं। गुड जॉब ऑन दिस टाको बेल, आई विल गिव दिस 8 आउट ऑफ 10। मैं भी इसे 8 में से 10 ही दूंगा, 10 में से 8 दूंगा। 8 में से 10 देने का नंबर है, इतना खुश हो गया है। और अगली आइटम हमारे मथुरा के पेड़े, द लिटरली बॉम्ब्स। आग लगा इसको, चीज डाली हुई है ना, कस्टर्ड है इसमें, जो स्टफिंग है ना वो टॉफी नहीं होती, वो मक्खन वाली टॉफियां जो होती हैं, असल में वो मेल्ट करके डाली हुई है। मक्खन वाली टॉफी जो होती है पिघली हुई। ओवरऑल टेस्ट कैसा लगा तुमको? बैटर है काफी थिक है, टेस्ट अच्छा है, बट खाने में थोड़ा अमेजिंग नहीं है। अच्छा नहीं है ये खाने में यार। बेसिकली टाको बेल कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें एवरेज है, बहुत बुरी तो कोई भी चीज नहीं लगी मुझे, बट एवरेज चीजें हैं, मतलब और भी अच्छी चीज हो सकती है, कुछ चीजें आई थिंक नाचोस हटने चाहिए इनके मेन्यू से। नाचोस हटने चाहिए और या तो उस पर काम होना चाहिए। हां, या उसको नोटेड नाचोस कर दो। एंड ऑल्सो एक और पॉइंट, टाको बेल को लिख देना चाहिए अपने पूरे ब्रांड पे कि हमसे ये डिलीवर कराओगे तो डिलीवरी में उसके अच्छा वो फॉर्म नहीं बचेगा, सिल जाएंगे तुम्हारे टाकोस, तो वो जरूर बता देना चाहिए। पॉसिबल, हमारे पैसे थोड़े बच जाए। ठीक है यार, इसको अगर रेट करना होगा तो मैं 10 में से इसको दूंगा 5 नंबर। 5 नंबर 10 में से आते चाह रहे हैं ये, तो दे 5 दो तो क्या करेंगे बॉस। बट ओवरऑल ठीक है, मतलब मुझे ठीक लगा, बुरा नहीं है। ओके डिसेंट है ये। ओ हाय बॉस, ओ हाय हाय, मैंने कभी एक्चुअली पता है पूरा मेन्यू ट्राई करा ही नहीं था, एक जगह पहली बार खाया। और कैसी थी आपकी आज की वीडियो? फुलफिलिंग, फुल मेन्यू के लिए फिलिंग खाने के लिए। हाँ, लेकिन बेस्ट पार्ट था खाना भी, कुछ कुछ बहुत अच्छा था, कुछ कुछ तो बहुत बढ़िया था। मतलब ऑब्वियसली पैसे अब नहीं देता है, बट स्पॉन्सर नहीं है हमारे टाको बेल, लेकिन टाको बेल का खाना कुछ कुछ जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा मुझे, उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड बड़ा मजा आया आज मिस्टर डुमरा के साथ वीडियो करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द अर्बन गाइड। और अगला मेन्यू कौन सा ट्राई करें वो भी बता दो, कॉमेंट करके बता देना।